हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में जो कि हमारे समुच्चय बोधक का भाग तीन है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले समुच्चय बोधक के पहले भेद यानी कि समानाधिकरण के भी भेदों के बारे में। अपने पिछले वीडियो में हमने समानाधिकरण के भेदों के बारे में जाना था कि समानाधिकरण के चार भेद होते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे समानाधिकरण के भेद के बारे में। तो आइए पढ़ते उसके पहले भेद यानी संयोजक के बारे में। संयोजक, जब समुच्चय बोधक शब्द किसी भी दो शब्द के बीच, दो वाक्यों के बीच जो हमें संयोग दर्शाते हैं, संयोग नजर आता है, संयोग दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं संयोजक। आइए लिखते हैं संयोजक की परिभाषा और उसे समझने की कोशिश करते हैं। समानाधिकरण के भेद, इसका पहला जो भेद है वो है संयोजक। संयोजक जब समुच्चय बोधक शब्द, जब समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों दो वाक्यांशों दो वाक्यांशों या दो वाक्यों के बीच दो वाक्यों के बीच संयोग दिखाते हैं, संयोग दर्शाते हैं, संयोग दिखाते हैं, तो उन्हें संयोजक कहा जाता है, तो उसे संयोजक कहा जाता है। जैसे अब इसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हम इसे जो समझ सके आसानी से। जैसे कि मैं यहां पे देखती हूं, राधा और मीरा बाजार जाएंगी। अब यहां देखिए, राधा को बाजार जाना है, मीरा को भी जाना है, दोनों में संयोग है कि दोनों को ही बाजार जाना है, तो हमने जो समुच्चय बोधक शब्द लगा दिया वो है और ना, इससे पता चल रहा है कि राधा और मीरा दोनों ही बाजार जाएंगी। जैसे रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए। अब यहां देखिए संयोग क्या है, रावण का भी पुतला जला है, कुंभकर्ण का भी जला और मेघनाथ का ही पुतला जला, तीनों का ही पुतला जला, ये संयोग है ना। तो यहाँ पे जो तीनों के भी संयोग नजर आ रहा है, यहाँ पे जो वाक्यांश है उनके बीच में संयोग नजर आ रहा है, तो इसीलिए जो है संयोजक है, संयोजक के उदाहरण है। अब इसका हम दूसरा भेद देखते हैं, विकल्पक। जब समुच्चय बोधक शब्द जो है किसी भी दो शब्द के, दो वाक्यांशों या फिर दो वाक्यों के बीच
विकल्प दर्शाते हैं, उन कुछ ऑप्शन देते हैं कि ये वाला या फिर वो वाला, तो उसे हम कहते हैं विकल्प। जहाँ पे हमें ऑप्शन विकल्प नजर आता है वही होता है विकल्पक। तो आइए लिखते हैं इसकी परिभाषा और इसे समझते हैं। जब समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, जब समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों के बीच विकल्प, दिखाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, ऑप्शन हम ये वाला चुने या फिर ये वाला, दोनों से कोई भी एक वाक्य को चुनने की, जब ऑप्शन आता है दोनों से किसी भी एक को चुनने की बात आती है, जहां पे ऑप्शन आ गया वो कहला गया आपका विकल्पक। तो विकल्पक, कहा जाता है। अब इसके भी उदाहरण देख लेते हैं, है ना भाई। जैसे अब हम ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे मनाली चले या गोवा, ऑप्शन है हम मनाली जाए या फिर गोवा जाए, है ना। तो ये जो है वाक्यांश है, इनके बीच में जो है विकल्प नजर आ रहा है, मनाली और गोवा के बीच विकल्प है दोनों में। अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे शांत रहो वरना सजा मिलेगी, ऑप्शन है या तो शांत रहो अदरवाइज सजा आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपने क्लासेस में देखा होगा अक्सर बच्चों को जो टीचर्स जो बोलते हैं बेटा शांत बैठो अदरवाइज पनिशमेंट मिल जाएगी, तो ऑप्शन दे रहे हैं या तो शांत बैठ जाओ या फिर पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे हमारे पास विकल्प है, विकल्प नजर आ रहा है, शांत रहो या सजा लो, मनाली जाओगे या गोवा, विकल्प है। जहाँ ऑप्शन आ जाता है उसे हम कहते हैं विकल्पक। तो आइए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम समानाधिकरण के और दो भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए ज्ञान अभियान और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।